क्या करते हैं कि जो सिमेट्रिकल पोर्शन होता है उसको सॉल्व करते हैं, अनसिमेट्रिकल को छोड़ देते हैं। कपड़ा ले जाते हैं, एक मिनट पर वीडियो काटो। क्या हो गया? सॉल्व करना हमें वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, जब केस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एक अनसिमेट्रिकल है दूसरा सिमेट्रिकल है, उसमें सिमेट्रिकल वाला सॉल्व करेंगे, यानी वाई बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर दोनों सिमेट्रिकल होते हैं तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। इस केस में जो एक सिमेट्रिकल होगा वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा वाई बार के। तो इसमें इस पूरे डायग्राम को, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट मेरा ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो पहले पार्ट ये पहला पोर्शन हो गया मेरा, और मेरा दूसरा पोर्शन ये हो गया, ठीक है। दूसरा पोर्शन ये हो गया, दो पोर्शन है तो वाई वार इजिकल टू कितना फॉर्मूला हो जाएगा, वाई वार इजिकल टू हो जाएगा ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू ए वन प्लस ए टू। ए वन इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ए टू इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो ए वन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, रेक्टेंगल फॉर्म में तो ए वन की वैल्यू कितनी होगी, ए वन इज इक्वल टू कितना होगा, टेन इंटू टू, टेन इंटू टू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए टू इज द पोर्शन दिस एरिया, ए टू इज इक्वल टू हो गया यहाँ कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ए इंटू टू, एट इंटू टू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए वन ए टू कैलकुलेट कर लिया मैंने, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस वाई वन वाई टू कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस वाई वन वाई टू कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम के सबसे नीचे वाले पोर्शन को चलाइए, इस डायग्राम की सबसे नीचे वाला पोर्शन ये होगा, सबसे टॉप मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन का जो लाइन है ये है, यहीं से सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। पहला डिस्टेंस इसके पहले वाले पोर्शन के सीजी पर जाएंगे, सीजी पर पहले वाले पोर्शन के सीधी पर जाएंगे, ये डिस्टेंस कितना है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो उसका सीधी लाई करेगा 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर इसके सीधी से जहाँ तक ये लाइन खींची गई है यहाँ तक डिस्टेंस कहलाएगी वाई वाई। अब दूसरे वाले पोर्शन पर जाएंगे, इसके सीधी से ये डिस्टेंस कहलाएगी वाई टू। तो रेक्टेंगल में जो सी जी होता है रेक्टेंगल में जो सी जी लाई करता है, सी जी लाई करेगा वो आधे आधे पर होता है। देखेंगे इधर, अगर ये टोटल मेरा बी है, ये बी है मेरा डिस्टेंस, ये बी है और ये डिस्टेंस कितना है डी, ये डिस्टेंस डी है, तो इसका सीजी लाई करेगा इधर डी बाई टू, इधर डी बाई टू, इसका सीजी यहाँ लाई करेगा बी बाई टू, बी बाई टू आधे आधे तक होता है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इसका सीजी टू है तो वन को होगा, इसके सीजी से जहाँ लाइन खींची वहाँ तक की होगी कितनी होगी वन, और नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना है एट, तो वाई वन की वैल्यू हो गई y1 वन इजिकल टू वन प्लस एट इजिकल टू 9 सेंटीमीटर, और y इजिकल टू वाई टू। वाई टू अब दूसरा पोर्शन ये है,
दूसरा पोर्शन ये है, इसका सी जी कहाँ है, ये है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, आधा आधे में यानी 4 पे, तो वाई टू इजिकल टू 8 बाई 2 इजिकल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ ए वन ए टू वाई वन वाई टू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? स्टॉप स्टॉप।